हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनजस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार की बहुत ही अमेजिंग अपनी सीरीज चल रही है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ। जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करनी है, 14 तक अपन को पहुँचना है। जी हाँ, लंबी है लड़ाई और पाँचवा क्वेश्चन तक ही आ चुके हैं मेरे भाई। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल फोर्सेस इन बिजनेस। अब ये क्वेश्चन दो हैं, है ना, लेकिन इनका आंसर एक है। यानी कि दिख दो रहे हैं पर आंसर एक है, एक आ रहा है एक जा रहा है। गोविंदा की एक पिक्चर थी जिसमें उसने डबल रोल किया था, लेकिन वो डबल नहीं था, बताइएगा जरा कौन सी। उसी तरीके से अपना क्वेश्चन भी है, इसके आंसर बुक के अंदर भी आपको दो मिल सकते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं या इंटरनेशनल फोर्सेस कौन सी लगती हैं बिजनेस में, लेकिन आंसर इनका एक ही है, इनका जो बेस है वो एक ही है। तो एक क्वेश्चन करोगे दोनों के आंसर याद हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो इंटरनेशनल चल रहे हैं यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं, वो मैक्रो वाले अपन ने याद करे थे ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, वही तो फैक्टर हैं, याद हो गए ना। देखो अब आ जाते हैं, देखो पहला फैक्टर, अब ये क्वेश्चन के ऊपर हमला बोले, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बिजनेस के ऊपर कौन कौन से इंटरनेशनल फोर्सेस चलती हैं या अगर हम हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होगा। पहला पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, उस देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, उसका इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है, वहाँ पर कल्चर सोशल इकोनॉमी कैसी है, मीन्स कि वहाँ पर कौन सी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन बिलोंग करती है, उसमें टेक्नोलॉजी कितनी है, मीन्स के कौन से एडवांस में वो चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल कितना साउंड है, 4G में चल रहा है, 5G चल रहा है, 3G चल रहा है, कौन से में चल रहा है, ट्रेड पॉलिसीज क्या बने हुए, ट्रेड टैरिफ कितना है वहाँ पे, ये आपके लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, है ना। इसके अलावा वहाँ पे सोशल एंड डेमोग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, ये सारी की सारी चीज़ें, कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप, इनकम भी आ जाती हैं इसके अंदर, और वो कल्चर वाला भी आ गया, सोशो इकोनॉमिक वाला। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स कितना है, मीन्स के ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी के ऊपर कितना वर्क वहाँ पर करना है। इसके अलावा हमको वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स तो ध्यान में रखना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक का भी ध्यान रखना है, जियोपॉलिटिक्स एक नया पॉइंट आ गया है, जियोपॉलिटिक्स यूक्रेन और रशिया के बाहर के वॉर के बाद में जियोपॉलिटिक्स का इशू काफ़ी प्रॉम्प्ट रहता है कि हमको उस देश के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी जो पेपर महंगे हुए हुए हैं, चाइना से हमने इम्पोर्ट थोड़ा सा कम कर दिया है, इंडोनेशिया से बढ़ा दिया है, पाकिस्तान से बिल्कुल कम करने वाले हैं, तो ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमको बिजनेस जब इंटरनेशनल करते हैं तो ध्यान रखने पड़ते हैं। और हेल्थ इशू भी आज पेंडेमिक के बाद में आ गया है कि वहाँ की हेल्थ कंडीशन क्या है, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये मेरे पुराने वीडियोज़ में मिलेगा भी नहीं, ये वाला पॉइंट नया पॉइंट एड ऑन हुआ है। तो सर कौन से फैक्टर्स कैसे याद करें, तो ईजीली आपको याद करा देता हूँ। देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स का याद रखना, हम सोशल फैक्टर्स याद रखना, इकोनॉमिक फैक्टर्स याद रखना, लीगल फैक्टर याद रखना, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स याद रखना, कॉम्पिटिटर्स याद रखना। इसके अलावा मेरे को वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है उसका भी याद रखना है, जो लीगल के अंदर आ गया लेकिन एक पॉइंट बढ़ाने के लिए अपन लिख देते हैं। इसके अलावा वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये कुछ 4, 3, 7, 1, 8 पॉइंट हो गए, 8 इनफ है। अब मैंने 9, 10, 11, 12 जियोपॉलिटिकल हो गया, इसके अलावा और कौन सा, हेल्थ एंड सेफ्टी वाला एक नया पॉइंट आ गया, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पर रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद कर लेना, मैक्रो एनवायरनमेंट वाले भी फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसका ऊपर का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक मिस हो रहा था मेरे से, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन में हमला बोलते हैं, डिटेल वीडियोस में मैंने काफ़ी अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है, इसलिए इसको यहाँ पर छोटे से में अपन समझ रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब पे हमला बोलना है, इसमें कोई डिटेल नहीं है ज़्यादा, मतलब ये आपको अगर पॉइंट्स याद होंगे तो आप खुद इसका बना सकते हो, इसमें इतनी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट में मैंने इनको डिटेल में समझा ही दिया। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।